सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन तो चलिए आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम एक नए दोस्त से मिल रहे हैं तो अपने नए दोस्त का नाम लिखते हैं और नए दोस्त से मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे मुस्कुराते मुस्कुराते तो बड़ी सी स्माइल के साथ थोड़ी और बड़ी थोड़ी और बड़ी स्माइल के साथ लिखते हैं हम अपने नए दोस्त का नाम तो हमारे नए दोस्त का नाम है एवरेज ड्यू डेट अपने दोस्त के नाम का मतलब अंदाजा लगाने की कोशिश करो ये जो तीन शब्द लिखे हैं एवरेज ड्यू डेट इन तीन शब्दों का क्या मतलब लग रहा है आपको क्या मतलब क्या नाम क्या मतलब है आपके दोस्त के इस नाम का इन तीन शब्दों का एवरेज ड्यू डेट क्या है आपका अंदाजा कि भाई आपके इस दोस्त के नाम का मतलब क्या है तो सानिया कह रही है पेमेंट करने की ड्यू डेट हर्षा कह रही हैं इंटरेस्ट ये थोड़ा ज्यादा एनालिसिस नहीं हो गया हर्षा एवरेज ड्यू डेट इस नाम में तो कहीं इंटरेस्ट है ही नहीं आपके दोस्त ने कहा मेरा नाम है एवरेज ड्यू डेट इसका क्या मतलब है इस नाम में तो कहीं इंटरेस्ट की बात ही नहीं हो रही श्रेया कह रही है बिल बिल की तो कोई बात ही नहीं हुई अभी मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस तो देखिए भाई एवरेज ड्यू डेट एवरेज ड्यू डेट नाम से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक तो बात हो रही है ड्यू डेट की एक ऐसी डेट की बात हो रही है जो ड्यू है ड्यू डेट अकाउंटिंग कर रहे हैं हम तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस दिन पेमेंट ड्यू हो रही होगी जिस दिन हमें पेमेंट कलेक्ट करनी है या फिर जिस दिन हमें पेमेंट करनी है पेमेंट हमें कलेक्ट करनी है किसी से या हमें पेमेंट करनी है किसी को ड्यू डेट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और उस डेट से रिलेटेड हम कुछ निकाल रहे हैं एवरेज अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं यानी कि एक से ज्यादा डेट होनी चाहिए तभी हम उन सब की मिलाकर के निकाल सकेंगे एवरेज ऐसा कुछ हमारा दोस्त यहाँ पे कहना चाह रहा है एवरेज ड्यू डेट यानि कि हम इसको ऐसे समझें एवरेज ऑफ ड्यू डेट्स क्योंकि अगर एवरेज निकालना है यानी कि एक से ज्यादा डेट्स आपके पास होनी चाहिए तो कुछ हम इस चैप्टर में ऐसा कर रहे हैं ड्यू डेट्स हैं बहुत सारी और उस डेट को यूज करके हम निकाल रहे हैं एवरेज ऐसा कुछ नाम है हमारे इस चैप्टर का एवरेज ड्यू डेट तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम कि भाई आपके इस दोस्त के नाम का मतलब क्या है तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे वेन अ पर्सन When a person owing several amounts due on different dates. Desires to pay the total amount due by him. on a particular date so that neither the debtor Nor the creditor stands to lose or gain anything. By way of interest, the date is known as Average Due Date. then next लाइन एवरेज ड्यू डेट इसको मैंने शॉर्ट में ए डी डी लिख दिया है एवरेज ड्यू डेट एवरेज ड्यू डेट इज वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज ऑफ ड्यू डेट्स Of various transactions, where amount of each transaction. Is used as weight. Next line Average due date. Is equals to Average due date is equals to base date plus minus plus minus total of product. डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट्स और इसी के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे any date can be selected as as base date फिर उसके बाद एक लाइन और लिखेंगे वो लाइन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी लेकिन लिख रहे हैं हम वाइल्ड कैलकुलेटिंग मुस्कुराते जाइए और लिखते जाइए वाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट while calculating number of days from base date ignore ignore the first day and include the last day तो एवरेज ड्यू डेट एवरेज ड्यू डेट का मतलब है अगर मुझे किसी पर्सन से डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट कलेक्ट करना है डिफरेंट डिफरेंट डेट पर या फिर मुझे किसी को डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट देना है डिफरेंट डिफरेंट डेट पर तो ये जो ट्रांजेक्शन है नॉर्मली नॉर्मली हम करेंगे ऐसी ट्रांजेक्शन क्रेडिटर के साथ जिससे हमने सामान खरीदा तो अगर मैं खरीद रही हूँ सामान ऑन क्रेडिट तो सीधी सी बात है पूरे साल में मैं पूरे साल का सामान एक ही दिन तो नहीं ख़रीदूँगी पूरे साल में डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर प्लेस करूँगी और अगर मैं सारा सामान ऑन क्रेडिट परचेज कर रही हूँ तो मेरे हर अमाउंट के साथ अब ऐसा भी नहीं है कि मैं जब भी परचेज ऑर्डर प्लेस करूंगी वो सेम अमाउंट का होगा डिफरेंट डेट पर करूँगी ऑर्डर प्लेस डिफरेंट अमाउंट का होगा और उसकी ड्यू डेट भी डिफरेंट होगी तो सपोज़ क्रेडटर मुझे दो महीने का क्रेडिट पीरियड देते हैं तो मैं जब भी ऑर्डर प्लेस करूंगी वहां से दो महीने के बाद मुझे पेमेंट करनी होगी तो पूरे साल में अगर मैंने दस ऑर्डर प्लेस किए तो दस डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स हैं दस डिफरेंट ड्यू डेट्स हैं जिन पर मुझे ये पेमेंट करनी है और इसी चीज़ को मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो उसकी ट्रांजैक्शन हो गई डेटर के साथ मैंने सामान खरीदा है तो भाई उसने सामान बेचा है मैंने सामान खरीदा है तो उसने सामान बेचा है तो उसके लिए मैं डेटर हूँ मेरे लिए वो क्रेडिटर है बिज़नेस के अंदर रेगुलर ट्रांजैक्शन है लगातार मुझे सामान खरीदना है तो डिफरेंट डिफरेंट डिफरें डेट पर मैं सामान ख़रीद रही हूँ ऑन क्रेडिट तो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हैं जो मेरे लिए ड्यू बन रही हैं जिस दिन मुझे पेमेंट करना है अब मैं अपने क्रेडिटर से कह रही हूं कि भाई देखो इस समय सपोज टेन ट्रांजेक्शन हमने कर रखी हैं, तो टेन डिफरेंट ड्यू डेट्स आ रही हैं। और ये लॉजिकल सी बात है कि ड्यू डेट कि बाहर जाकर के अगर आप पेमेंट करोगे तो भी इंटरेस्ट बनेगा पर्सन इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा और यहाँ पर डिपेंड करेगा अरेंजमेंट दोनों पार्टीज के बीच में इंटरेस्ट तो पिक्चर में आएगा ही कि यहां पर जब आपको पेमेंट करनी है कुछ दिन के बाद तो कुछ इंटरेस्ट का फैक्टर भी होगा कैसे होगा क्या होगा वो तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखेंगे इसलिए मैंने अपने क्रेडिटर से बोला कि भाई ऐसा करते हैं इन दस डिफरेंट ड्यू डेट्स की जगह आप मुझे एक दिन बता दो वन डेट आप मुझे एक दिन बता दो जिस दिन मैं आपको ये सारी पेमेंट कर दूं और वो दिन ऐसा होना चाहिए जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो ऐसा ना हो वो हम डेट कुछ ऐसे डिसाइड करें कि आपका फ़ायदा हो जाए मेरा नुकसान हो जाए या मेरा फ़ायदा हो जाए आपका नुकसान हो जाए तो भाई दस डिफरेंट ड्यू डेट्स हैं मैं आपको सारी पेमेंट एक ही दिन करना चाहती हूँ इकट्ठे तो आप मुझे एक डेट बता दो किस दिन मैं आपको ये पेमेंट करूँ जिस दिन ना तो किसी का भी फ़ायदा हो ना किसी का भी नुकसान हो तभी ये सेटलमेंट होगी अगर एक का फ़ायदा होगा एक का नुकसान होगा तो कॉन्सेप्ट फेल हो गया फिर इसे कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा तो ये एक डेट वो होनी चाहिए जिसमें दोनों पार्टीज़ अग्री करती हैं कि यस, इस एक पर्टिकुलर डेट पर आप मुझे सारी पेमेंट्स इकट्ठे कर दो और इस दिन ना किसी को इंटरेस्ट का नुकसान होगा ना किसी को इंटरेस्ट का फ़ायदा होगा तो जो बहुत सारी ड्यू डेट्स हैं उन सबको देख कर के एक डेट ऐसी निकालना जिस दिन पेमेंट सेटल की जाए उस दिन को हम बोल देते हैं एवरेज ड्यू डेट अब सिस्टम ये हो जाएगा कि भाई जो हमने एवरेज ड्यू डेट निकाली है उस दिन आप हमें पेमेंट कर दो अगर आप हमें उस दिन पेमेंट नहीं करते हो अगर आप उस दिन के बाद पेमेंट करते हो फिर आपसे इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाएगा तो अब अगर एवरेज ड्यू डेट निकाल ली है एक दिन निकाल लिया है जिस दिन आप पेमेंट करो उस दिन को हम बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट उस दिन वो पार्टी जो है पेमेंट करते है। अगर नहीं करते हो उस दिन लेट करते हो तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे अदरवाइज आप उसी दिन पेमेंट कर दो वो आपकी टेन डिफरेंट ट्रांजेक्शंस के लिए हो जाएगी एक ड्यू डेट तो इसलिए देखें अब एवरेज ड्यू डेट की डेफिनेशन वेन अ पर्सन ओइंग सेवरल अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स कहीं मुझे दस हजार की पेमेंट करनी है कहीं मुझे बीस हज़ार की करनी है कहीं मुझे सत्ताईस हज़ार की करनी है कहीं मुझे पाँच हज़ार की करनी है डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है डिफरेंट डिफरेंट डेट है सेवरल अमाउंट्स अ पर्सन ओइंग सेवरल अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स डिज़ायर्स टू पे दी टोटल अमाउंट ड्यू बाय हिम ऑन अ पर्टिक्यूलर डेट डिफरेंट डेट से हम आ गए एक पर्टिकुलर डेट पर सो दैट नीदर दी डेटर नॉर दी क्रेडिटर स्टैंड टू लूज और गेन एनी थिंग बाय वे ऑफ इंटरेस्ट सीधी सी बात है उस दिन ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पार्टी का नुकसान हो जाए ना किसी का नुकसान हो ना किसी का फ़ायदा हो यानी कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो बिजनेस मॉडल्स हमेशा कौन से चलते हैं जो चलते हैं विन विन सिचुएशन पर अगर आप सोच रहे हो आपका फायदा सामने वाले का नुकसान ये मॉडल्स लॉन्ग रन में नहीं चलते हैं तो विन लूज मॉडल नहीं चलते हैं अगर आपको लंबे समय तक काम करना है एक ही मॉडल बिजनेस के अंदर चलेगा विन विन इसलिए इसी विन विन को दूसरे शब्दों में क्या लिखा सो दैट नीदर द डेटर नॉर क्रेडिटर स्टैंड टू लूज और गेन एनी थिंग बाय वे ऑफ इंटरेस्ट देन दैट पर्टिकुलर डेट इज नोन एज एवरेज ड्यू डेट अब इस एवरेज ड्यू डेट को निकाले कैसे एवरेज ड्यू डेट का क्या मतलब हुआ बहुत सारी डेट्स में से एक डेट निकालना बहुत सारी डेट्स को यूज करके एक पर्टिकुलर डेट तक पहुंचना जिसको हम बोलेंगे एवरेज ड्यू डेट तो जहां पर भी एवरेज की बात आती है तो एवरेज आपको पता है दो टाइप की होती है सिंपल और वेटेड सिंपल और वेटेड एवरेज में बेस्ट एवरेज बेस्ट एवरेज इज ऑलवेज वेटेड एवरेज हमेशा क्योंकि वेटेड एवरेज इसमें क्या फर्क है सिंपल एवरेज के कंपैरिजन में तो सिर्फ एक छोटा सा फर्क है यहां पर हम वेट्स देते हैं वेट का मतलब वेट का सिंपल मतलब है हम इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन को ज्यादा वेट देते हैं लेस इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन को लेस वेट देते हैं हायर अमाउंट को ज़्यादा वेट देते हैं लोअर अमाउंट को लोअर वेट देते हैं जैसे आपने गुडविल वैल्यूएशन मेथड्स अगर आपने देखे हो तो वहाँ पर भी हम ये पढ़ते हैं वेटेड एवरेज मेथड। और जितना वेटेड एवरेज आपने पढ़ा है उसमें नॉर्मली आपने ये देखा है कि हम वेट्स देते हैं वन टू थ्री फोर इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है तो वन टू थ्री फोर अदरवाइज फोर थ्री टू वन तो सपोज एक तरफ प्रॉफिट लिखे हैं और आपको वेटेड एवरेज निकालना है तो आप वहां पे वेट देते हो वन टू थ्री फोर तो क्या सिस्टम होता है अगर एक ही वेरिएबल है अगर एक ही चीज है प्रॉफिट तो फिर हम वेट अलग से डालते हैं वन टू थ्री फोर लेकिन मान लो अगर एक वेरिएबल की जगह दो वेरिएबल अवेलेबल हो जैसे अगर आपको याद हो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड वेटेड एवरेज मेथड इन्वेंट्री वैल्यूएशन वेटेड एवरेज मेथड वहां पर हमने वेट नहीं दिया था वन टू थ्री फोर वहां पर हमने देखा था क्वांटिटी है हमारे पास अमाउंट है और फिर हमने किया था क्वांटिटी इनटू में अमाउंट यहां पर क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल हैं क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल हैं अब मुझे अलग से वन टू थ्री फोर इसकी जरूरत नहीं है अब हम क्या करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन वेटेड एवरेज मेथड में हमने क्या किया हमने इसी अमाउंट को क्या कंसिडर कर लिया वेट तो अगर हमारे पास एक वेरिएबल होता है प्रॉफिट तो हम अलग से वेट देते हैं वन टू थ्री फोर लेकिन अगर मेरे पास दो वेरिएबल होते हैं तो उसी में से एक वेरिएबल को बना लिया जाता है वेट तो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में से बेटर हमेशा कौन सी है वेटेड एवरेज यहां पर मुझे निकालनी है ड्यू डेट्स की एवरेज तो यहां पर भी हम कौन सी एवरेज कंसिडर कर रहे हैं बेस्ट एवरेज विच इज एवरेज अकॉर्डिंगली हमने कहा एवरेज ड्यू डेट इज वेटेड एवरेज ऑफ ड्यू डेट्स ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन वेयर अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज कंसिडर्ड एज वेट तो वेटेड एवरेज का ये कॉन्सेप्ट होता है अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो आप अलग से वेट डालो फिर आप नंबर्स लेकर कर आओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों में से एक को वेट बनाया जाता है जो इंपॉर्टेंट होता है तो यहां पर हमारी ट्रांजेक्शन में अमाउंट इंपॉर्टेंट है कितना अमाउंट है जो आपको पे करना है तो उसी अमाउंट को हम बनाएंगे वेट और उसकी मदद से हम निकालेंगे वेटेड एवरेज तो क्या सिस्टम है आपके सामने मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल्स टू बेस डेट बेस डेट के बाद प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है डिपेंड करेगा कैलकुलेशन कैसे आ रही है बेस डेट प्लस या माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ अमाउंट तो ये तो सिंपल वेटेड एवरेज में करते ही हैं हम दो चीज़ों को डिवाइड करना ही वेटेड एवरेज है अगर आपको याद हो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी हमने यही किया था कि भाई वेटेड एवरेज प्राइस निकालना है तो कैसे निकाल रहे थे समेशन ऑफ प्राइस इंटू मई क्वान्टिटी अपॉन मे समेशन ऑफ क्वान्टिटी उम्मीद है आपको याद होगा तो हम वेटेड एवरेज इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे थे समेसन ऑफ प्राइस इनटू क्वांटिटी अपॉन में समेसन ऑफ क्वांटिटी तो आपने कहा बिल्कुल याद है मैम अच्छे से तो यहां इस तरीके से हमने निकाला था वेटेड एवरेज प्राइस अब मुझे निकालनी है वेटेड एवरेज डेट अब मुझे वेटेड एवरेज प्राइस नहीं वेटेड एवरेज डेट निकालनी है तो मैंने क्या किया समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में समेशन ऑफ अमाउंट लेकिन ये तो मेरे पास एक नंबर आएगा उस नंबर से डेट पर कैसे पहुंचे तो हमने कहा बेस डेट के अंदर उतने डेज ऐड कर दो तो सपोज ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ अमाउंट ये आपका आता है दस तो हमने कहा एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालो जो भी आपकी बेस डेट है उसमें आप प्लस कर दो टेन डेज तो जो आपकी डेट आ गई है उसको हम बोल देंगे एवरेज ड्यू डेट फिर आगे हमने दो चीजें और लिखी हैं एनी डेट कैन बी सेलेक्टेड एज बेस डेट एंड वेन यू आर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट इग्नोर फर्स्ट डे एंड इंक्लूड द लास्ट डे तो एक एग्जाम्पल करते हैं इससे हम थोड़ा सा समझते हैं कि हम एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे कैसे और इन दोनों लाइंस का मतलब भी समझते हैं तो पहला एग्जांपल ये मैं लिखवा नहीं रही हूं आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं तो असाइनमेंट आपके पास है एवरेज ड्यू डेट खोलिएगा और उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन देखिए एवरेज ड्यू डेट फॉलोइंग आर दी अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स बिटवीन द सेम पार्टीज तो सपोज ए और बी दो के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है और हमारे पास कुछ अमाउंट्स मेंशन है तो भाई हमारे पास अमाउंट मेंशन है पाँच सौ रुपये इसकी ड्यू डेट है थर्ड जुलाई ठीक है ये पेमेंट पांच सौ रुपए की यह पेमेंट होनी है थर्ड जुलाई को उसके बाद एट हंड्रेड एट हंड्रेड ये पेमेंट होनी है सेकेंड अगस्त को देन वन थाउजेंड ये पेमेंट होनी है 11 सितंबर को उसके बाद क्वेश्चन ने आपसे कहा सजेस्ट अ डेट ऑन विच ऑल द बिल्स मे बी पेड आउट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू ईदर पार्टी तो भाई इसका मतलब है एक डेट निकाल दो जिस दिन हम पेमेंट करें जिससे हमें इंटरेस्ट का कोई नुकसान ना हो कोई किसी को फायदा ना हो तो ठीक है भाई स्टार्ट करते हैं भाई इस समय तीन डिफरेंट ड्यू डेट्स हैं पेमेंट करनी है अब हमें निकालनी है एक डेट जिस दिन ये पार्टीज पेमेंट करे एक पेमेंट करे दूसरा रिसीव करे किसी को इंटरेस्ट का ना तो लॉस हो ना तो फायदा हो तो चेक करते हैं कैसे निकालें इसे तो आपके रजिस्टर में आप लिखो आंसर टू क्वेश्चन नंबर वन क्या मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आपको अपने फ़ाइनल पेपर में फाइनल पेपर में भी ऐसे ही लिखना है पेज के सेंटर में हमेशा आंसर टू क्वेश्चन नंबर वन यानी कि दिसंबर में जो आपके एग्ज़ाम्स हैं जब आप वो एग्ज़ाम्स देने जाओगे तो पेपर के सेंटर में लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन वन क्लास में हम जैसे लिखते हैं आंसर वन ये जैसे हम कॉर्नर में लिखते हैं वैसे नहीं लिखना है सी ए के पेपर में सेंटर में बड़ा बड़ा लिखा जाता है आंसर टू क्वेश्चन नंबर वन तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर वन सबसे पहले हम लिखेंगे बेस डेट इज सबसे पहले हमें लेनी होगी एक बेस डेट तो बेस डेट के लिए क्या कहा मेरे फॉर्मूले ने मुझे एनी डेट कैन बी सेलेक्टेड एज बेस डेट ठीक है एनी डेट तो एनी डेट का मतलब क्या मैं 14 फ़रवरी ले लू आपकी फेवरेट डेट तो एनी डेट का मतलब क्या ये है कि सारी डेट्स में से कोई भी डेट या फिर इन तीनों डेट्स में से एक डेट है ना तो आप समझ गए एनी डेट का मतलब है ऐसे नहीं कि कोई भी डेट उठा लो एनी डेट मींस ये जो हमारे पास डिफरेंट ड्यू डेट्स हैं इनमें से कोई भी एक डेट आप सेलेक्ट कर लो कोई भी एक डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो मैं यहां पे सेलेक्ट कर रही हूं थर्ड जुलाई और हम हर क्वेश्चन में वो ही डेट सेलेक्ट करेंगे जो अर्लीस्ट होगी ठीक है ऐसा क्यों मैम वो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों वैसे तो हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम हमेशा हमारे क्वेश्चन की अर्लीस्ट डेट सेलेक्ट किया करेंगे मतलब जो डेट सबसे पहले होगी तो यहाँ पर हमारी डेट सबसे पहले है थर्ड जुलाई सबसे पहले मतलब ऐसा नहीं जो सबसे पहले लिखी होगी जो डेट सबसे पहले आती है अर्लीस्ट डेट तो यहाँ पर हम लेंगे थर्ड जुलाई तो सबसे पहले हमने लिख दिया बेस डेट उसके बाद नेक्स्ट लाइन में फिर हम कुछ कॉलम्स बनाएंगे चार कॉलम हमारे हम बनाएंगे सबसे पहला कॉलम है ड्यू डेट नेक्स्ट कॉलम है अमाउंट टोटल चार कॉलम है नेक्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट एंड लास्ट कॉलम इज प्रोडक्ट तो हम अभी सीखना चाह रहे हैं कि हमें जो एक फॉर्मूला ऑलरेडी बनाकर के दिया गया है कि एवरेज ड्यू डेट आपको ऐसे निकालना है वो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि भाई हमें क्या करना है अभी हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक बेस डेट चूज़ कर ली हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं हमने चूज़ कर ली थर्ड जुलाई उसके बाद अब हमें चार चीज़ें चाहिए उसको हमने चार सेपरेट कॉलम में लिखा हम ड्यू डेट लिखेंगे अमाउंट लिखेंगे फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट पेज नंबर पेज नंबर फर्स्ट है आपके असाइनमेंट का आपका असाइनमेंट खुलते ही क्वेश्चन नंबर वन है तो दो तीन स्टूडेंट्स पेज नंबर पूछ रहे हैं देखिए चेक कर लीजिए आपका असाइनमेंट खुलते ही क्वेश्चन नंबर वन है अदरवाइज क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख ही दिया है रितेश ध्रुव हम लोग न्यू असाइनमेंट की बात कर रहे हैं जो आपको डिस्पैच किया गया था एवरेज डेट अकाउंट करंट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला असाइनमेंट जिस असाइनमेंट के अंदर लास्ट में ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं सारे चैप्टर्स के हम उस असाइनमेंट की बात कर रहे हैं न्यू असाइनमेंट ऑफ एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट एंड एनपीओ तो अब आगे देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है तो हमने लिखा भाई पहले तो हम ड्यू डेट्स लिख लेते हैं जो हमें गिवन है हमारे पास है थर्ड जुलाई उसके बाद है सेकेंड अगस्त उसके बाद है इलेवन सितंबर तीनों का हमने अमाउंट लिख लिया फाइव हंड्रेड एट हंड्रेड वन थाउजेंड अब इसके बाद मुझे लिखना है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट बेस डेट मैंने ली है थर्ड जुलाई तो सबसे पहले थर्ड जुलाई से थर्ड जुलाई तक कितने दिन हैं हमने कहा ज़ीरो तो जो मेरी बेस डेट है वहीं से हमने स्टार्ट किया है तो भाई दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना तो इस ड्यू डेट में ना मेरी बेस डेट में ड्यू डेट थर्ड जुलाई है बेस डेट थर्ड जुलाई है यहां पर आ जाएगा जीरो नेक्स्ट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट इसका मतलब है अब आपको यह देखना है बेस डेट थर्ड जुलाई और हमारी ड्यू डेट सेकेंड अगस्त नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट थर्ड जुलाई से लेकर के सेकेंड अगस्त तक यहां पर इस ड्यूरेशन में कितने दिन आते हैं और जब हम ये काउंट करेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट यहां पर ये लाइन रेलेवेंट है वाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट इग्नोर द फर्स्ट डे एंड इंक्लूड द लास्ट डे इसका मतलब अब जब आप नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे तो आपको क्या करना है थर्ड जुलाई इस दिन को काउंट नहीं करना यानी कि काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम फोर्थ जुलाई से और सेकेंड ऑगस्ट इस दिन को इंक्लूड करना है क्या लिखा है आपने आपने लिखा है इग्नोर दर्स्ट डे इंक्लूड द लास्ट डे इसका मतलब थर्ड जुलाई को इग्नोर करो सेकेंड ऑगस्ट को इंक्लूड करो तो अब आप चेक करके देखो इस दौरान कितने नंबर ऑफ डेज आते हैं दो दो आंसर आ रहे हैं मुझे पता है या तो ट्वेंटी नाइन आ रहा है या थर्टी आ रहा है आंसर तो एक ही होगा फिर से चेक करो अच्छा क्या आप जानते हो जुलाई में कितने दिन होते हैं क्या आप जानते हो अच्छा कैसे पता चलता है कौन से मंथ में थर्टी डेज़ हैं और कौन से मंथ में थर्टी वन हाँ मैम देखो ऐसे पता चलता है इसमें हम चेक करते हैं जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मई जून ठीक है तो जो ऊपर आ रहे होते हैं मंथ्स उसमें होते हैं थर्टी वन और बाकी मंथ्स में होते हैं थर्टी तो देखो भाई नंबर ऑफ डेज़ अब हम बात करें पहले जुलाई की जुलाई में टोटल थर्टी वन डेज है हमें तीन दिन कंसिडर नहीं करने थर्ड हमें कंसिडर नहीं करना है तो जुलाई के अंदर हमारे डेज हो जाते हैं ट्वेंटी एट थर्ड जुलाई हमें कंसिडर नहीं करना फोर्थ से लेकर के थर्टी फर्स्ट जुलाई तक डेज हो गए ट्वेंटी एट डेज फिर हम बात करें अगस्त के अगस्त के दिन हमारे पास हो गए दो तो यहां पर हमारा आंसर आ गया थर्टी डेज देखो आराम से थर्ड जुलाई हमें इंक्लूड नहीं करना है इग्नोर फर्स्ट डे सेकेंड ऑगस्ट हमें इंक्लूड करना है इंक्लूड द लास्ट डे इग्नोर फर्स्ट डे इंक्लूड द लास्ट डे तो हमारे यहां पर डेज आ जाते हैं थर्टी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ट्वेंटी नाइन निकाला था देखो चेक करो डेज हैं थर्टी चैप्टर ये बहुत आसान है लेकिन अगर डेज़ में गड़बड़ हुई तो क्वेश्चन गया फिर पूरा का पूरा चलिए वेरी गुड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट निकाल लिया है आंसर तो भाई सभी चेक करें अब अगला हमें चेक करना है थर्ड जुलाई से लेकर के इलेवेंथ सितंबर तक नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट अगली मेरी डेट आ रही है ग्यारह सितंबर मुझे चेक करना है थर्ड जुलाई से ग्यारह सितंबर के बीच में कितने दिन आते हैं चालीस दिन कमाल के टैलेंटेड हो आप लोग देखो फिर से दो आंसर निकाल रहे हो सिक्सटी नाइन और सेवेंटी दो दो आंसर से काम नहीं चलेगा एक आंसर निकालो यस वेरी गुड मेजोरिटी ने आंसर करेक्ट करा है डेज हमारे आएंगे सेवेंटी देखिए कैसे देखो जुलाई के ट्वेंटी एट डेज हो गए फिर अगस्त की बात करें अगस्त पूरा हो गया थर्टी वन डेज फिर सितंबर की बात करें तो सितंबर में कितने दिन इंक्लूड करेंगे हम ग्यारह इग्नोर दी फर्स्ट डे इंक्लूड द लास्ट डे थर्ड जुलाई इग्नोर इलेवेंथ सितंबर इंक्लूड तो 28 एट प्लस थर्टी वन प्लस इलेवन ये आ जाते हैं हमारे सत्तर दिन सव्यम कह रहे हैं मैम अगस्त में 30 तो सव्यम अभी तो बताया था मैंने ये याद करो बचपन में मैम ने सिखाया होगा जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मई जून है ना तो अगस्त में 30 डेज नहीं 31 डेज तो पेपर में गलती होने के बहुत सारे चांसेस हैं यहां पर ध्यान रखो अगस्त थर्टी वन तो हमने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब है अमाउंट इनटू में नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट यानी कि सबसे पहले 500 इनटू में जीरो तो ये आ गया हमारा जीरो फिर हमें करना है एट हंड्रेड इंटू मे थर्टी फिर हमें करना है वन थाउजेंड इंटू में सेवेंटी तो प्रोडक्ट का मतलब है अमाउंट इनटू में नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट मैम एक बार फिर से बता दो नंबर ऑफ डेज फिर से देख लो भाई फिस्ट बनाई है आपने मुठ्ठी बनाई आपने ये टॉप और फिर ये गड्ढा जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो जितने मंथ्स आपके टॉप पर आ रहे हैं उसके अंदर होंगे थर्टी वन डेज और जो मंथ्स आपके टॉप पर नहीं आ रहे हैं उसमें होंगे थर्टी डेज ऑब्वियसली विद एन एक्सेप्शन ऑफ फेबररी फेबररी के तो अलग से डेज हम देखेंगे कितने आ रहे हैं उसके अलावा जितने मंथ्स टॉप पर हैं थर्टी वन डेज बाकी सारे मंथ्स में थर्टी डेज क्या मैम ये नंबर ऑफ डेज का वर्किंग नोट बनाना है नहीं आपको नंबर ऑफ डेज का कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना सीधा सीधा आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट अब इसके बाद क्या करेंगे टोटल कर लो प्रोडक्ट का और अमाउंट का दोनों को टोटल कर लेते हैं प्रोडक्ट कॉलम और अमाउंट कॉलम इसके बाद अब हम लिखेंगे सबसे पहले हमने बेस डेट लिखी फिर हमने ये टेबल बनाया ये सारी कैलकुलेशन हमें पेपर में कुछ नहीं दिखाना ये सब ओरली होगा कैलकुलेशन नंबर ऑफ़ डेज़ का कोई वर्किंग नोट नहीं तो ये टेबल बनाने के बाद फिर अब हम लिखेंगे एवरेज ड्यू डेट इज़ इक्वल्स टू बेस डेट यहां पर कोई भी माइनस की फिगर नहीं है तो प्लस बेस्टेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट बेस्टेट हमारी क्या थी थर्ड जुलाई इसके बाद हम करेंगे नाइन्टी फोर थाउजेंड अपॉन में ट्वेंटी थ्री हंड्रेड अब ये जब आप डिवाइड करोगे ना नाइन्टी फोर थाउजेंड अपॉन में ट्वेंटी थ्री हंड्रेड अगर ये डिवीजन आपका डेसिमल में आता है तो आपको उसे राउंड ऑफ करना है हमेशा हायर नंबर पे ठीक है हमेशा हायर पे यानी कि सपोज अब ये कितना आ रहा है अमाउंट आपका नाइनटी फोर थाउजेंड अपॉन में ट्वेंटी थ्री हंड्रेड फोर्टी पॉइंट एट सेवन तो देखो फोर्टी पॉइंट एट सेवन है तो हम इसको ले लेंगे फोर्टी वन मान लो ये होता फोर्टी पॉइंट फाइव तो भी हम इसको लेते फोर्टी वन मान लो ये होता फोर्टी पॉइंट थ्री तो भी हम इसको लेते फोर्टी वन ये हमेशा राउंड ऑफ नेक्स्ट नंबर पर होगा तो फोर्टी पॉइंट एट है तो फोर्टी वन फोर्टी पॉइंट फाइव है तो फोर्टी वन फोर्टी पॉइंट थ्री भी होता तो भी फोर्टी वन तो अकॉर्डिंगली हमने कहा भाई जुलाई थ्री हमारी एवरेज ड्यूरेट क्या आ रही है जुलाई थ्री और इसके अंदर हम ऐड करेंगे फोर्टी वन डेज कीजिए भाई ऐड कीजिए फोर्टी वन डेज़ ध्यान से करना जल्दी नहीं गलती नहीं तो आराम से जुलाई थ्री प्लस फोर्टी वन डेज तो जुलाई थ्री में हम ऐड करेंगे फोर्टी वन डेज तो भाई जुलाई के आ जाएंगे अट्ठाईस दिन जुलाई के आ गए अट्ठाईस दिन थर्ड जुलाई में हमें ऐड करना है तो जुलाई के अट्ठाईस दिन और मुझे टोटल फोर्टी वन डेज ऐड करने हैं यानी कि मुझे तेरह दिन और ऐड करने हैं तो ये तेरह दिन किसके हो जाएंगे अगस्त के तो यानी कि हमारा आंसर आ गया थर्टीन अगस्त अगेन ये जो मैंने यहां पे लिखा है जुलाई थ्री प्लस ट्वेंटी एट प्लस थर्टीन ये आपको पेपर में कुछ करने की जरूरत नहीं है आपने सीधा किया जुलाई थ्री प्लस फोर्टी वन डेज इज इक्वल्स टू थर्टीन अगस्त लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है फोर्टी वन डेज हमने कैसे निकाले अट्ठाईस दिन जुलाई के लिए हमने और तेरह दिन फर्दर हमें और चाहिए तो हम नेक्स्ट मंथ में चले जाएंगे तो मेरी एवरेज यू डेट आ जाती है तेरह अगस्त। इसका मतलब है अगर तेरह अगस्त को पेमेंट की जाए अगर तेरह अगस्त को पेमेंट की जाए तो किसी पार्टी को ना तो इंटरेस्ट का नुकसान होगा ना फायदा होगा तो एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा इंटरेस्ट दिया हो ऐसा ज़रूरी नहीं है तो हमारा मेन फोकस तो ड्यू डेट निकालने पर है इंटरेस्ट निकालने पर नहीं तो तेरह अगस्त को अगर ये पेमेंट सेटल होती है तो किसी भी पार्टी को ना तो नुकसान होगा ना तो फ़ायदा होगा इसलिए दोनों पार्टीज़ के बीच में अगर सेटलमेंट उनको करना है तो किस दिन कर लेना चाहिए तेरह अगस्त को सारी ड्यू अमाउंट्स हमें रिसीव कर लेने चाहिए तो थर्टीन अगस्त है हमारी ड्यू डेट अभी कोई डाउट नहीं पूछना अभी सिर्फ इस क्वेश्चन को दो मिनट लगाकर आप देखो हमने किया क्या है और इसको माइंड में बिठाओ डाउट अभी मैं कोई नहीं ले रही हूं इसको सिर्फ अपने माइंड में बिठाओ कि हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया कैसे है मैम पेपर में ए डी डी लिख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं क्लासरूम की दुनिया हमारी अपनी दुनिया है पेपर की दुनिया आई सी ए आई की दुनिया है उस दुनिया से खिलवाड़ मत करो तो पेपर में हम पूरा लिखेंगे एवरेज ड्यू डेट हाँ जी तानुष हमें थर्ड जुलाई के आगे चलना होगा इसलिए जुलाई के ट्वेंटी एट डेज आएंगे यानी कि थर्ड को छोड़कर फर्दर आगे वाले दिन इसलिए ट्वेंटी एट तो इस क्वेश्चन को आप माइंड में बिठाकर रिवाइज उम्मीद है आपने कर लिया होगा हमने क्या करा है अब आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है फिर से सेम क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना है और क्या करना है बेस डेट बेस डेट अब मैं आपसे कह रही हूं बेस डेट अब आप ले लो सेकेंड ऑगस्ट ठीक है सपोज बेस डेट अगर हम लेते हैं सेकेंड ऑगस्ट तो अब आप करके देखो सेम क्वेश्चन सब कुछ सेम है बेस डेट हमने बदल दी है सेकेंड ऑगस्ट तनु एक बार फिर से देख लो तेरह ऑगस्ट देखो फोर्टी वन डेज निकाल लिए थे हमने टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ अमाउंट तो भाई फोर्टी वन हमारे पास एक नंबर आ गया ठीक है तो जो फोर्टी वन है वो क्या है यहाँ पर डेज़ हैं वो फोर्टी वन डेज़ मुझे अब ऐड करने हैं थर्ड जुलाई में तो थर्ड जुलाई में हम फोर्टी वन डेज ऐड करेंगे तो देखो हमने क्या करा हमने कहा भी पहले जुलाई के दिन देखो जुलाई के दिन बचे हैं अट्ठाईस तो अट्ठाईस दिन तो जुलाई के हो गए लेकिन हमें फोर्टी वन ऐड करना है यानी कि तेरह दिन अभी और ऐड करने हैं तो ये जो तेरह दिन हमने ऐड किए हैं ये कहाँ से आएंगे? ये अगले महीने के आएंगे ना जुलाई तो ख़त्म हो गया तो ये तेरह दिन हो गए हैं अगस्त के तो इसलिए हमारी एवरेज ड्यू डेट आ गई है थर्टीनथ अगस्त तो सेकेंड ऑगस्ट अब जब हम ले रहे हैं ना बेस डेट तो अब हम सेकेंड से जब जाएंगे थर्ड जुलाई की तरफ तो अब हम आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं थर्ड जुलाई से सेकेंड ऑगस्ट जा रहे थे तो हम आगे जा रहे थे अब हम सेकेंड ऑगस्ट से थर्ड जुलाई आ रहे हैं हम पीछे जा रहे हैं तो यहां पर जो आपके डेज होंगे वो आ जाएंगे माइनस में तो अब हमें डेज काउंट करने हैं सेकेंड ऑगस्ट से थर्ड जुलाई तक तो काउंट करो कितने दिन निकाले आपने थर्टी डेज एब्सोल्युटली करेक्ट उम्मीद है सबने निकाल लिया है सेकेंड ऑगस्ट से थर्ड जुलाई डेज हमारे आ जाएंगे थर्टी तो सेकेंड ऑगस्ट से थर्ड जुलाई जा रहे हैं हम तो क्या करेंगे हम इग्नोर फर्स्ट डेट इंक्लूड दी लास्ट डेट तो सेकेंड ऑगस्ट ये तो मुझे इग्नोर कर देना है तो ऑगस्ट के हो गए हमारे कितने दिन वन है ना अगस्त का हो गया हमारा एक दिन जुलाई की बात करें जुलाई में हमें थर्ड जो है इंक्लूड करना है तो जुलाई के हो गए ट्वेंटी नाइन डेज इग्नोर द फर्स्ट डेट इंक्लूड द लास्ट डेट तो ये हमारे हो गए थर्टी डेज तो जब हमने यहाँ पे लिखा थर्टी तो ये आ गया है माइनस में जब भी आप आगे से पीछे जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और अब आप इस बात को समझ सकते हो जो मैंने आपसे कहा था कि बेस डेट वैसे तो हम कोई भी ले सकते हैं लेकिन हम हमेशा अर्लीस्ट डेट लेंगे क्योंकि हम ये माइनस वाली कैलकुलेशन को अवॉइड करेंगे जब हम अवॉइड कर ही सकते हैं तो हम अवॉइड करेंगे इसलिए हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उसमें हमेशा अर्लीस्ट डेट लेंगे अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैं आपको इसमें लेके दिखा रही हूँ कि अगर सेकेंड ऑगस्ट लेते हैं तो क्या होता है फिर हम आप इस क्वेश्चन को करेंगे कि अगर हम इलेवन सितंबर लेते हैं तो क्या होता है तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा लेकिन फिर हम जिस भी क्वेश्चन में बेस डेट लेंगे हमेशा अर्लीएस्ट लेंगे ताकि ये नेगेटिव कैलकुलेशन से हम बच जाएं तो ये हमारा नेगेटिव थर्टी आ गया और फिर आगे चलें सेकेंड अगस्त से इलेवन सितंबर यहां पर देखो नंबर ऑफ डेज फोर्टी डेज एप्सल्यूटली करेक्ट सेकेंड ऑगस्ट से इलेवन सेप्टेंबर ये हो गए हैं हमारे फोर्टी डेज आराम से चेक कर लो कैसे Yes, ट्वेंटी नाइन प्लस इलेवन ऑगस्ट के हम कितने दिन लेंगे ट्वेंटी नाइन डेज लेंगे हम सेकेंड ऑगस्ट भी हमें इग्नोर करना है तो अगस्त के उनतीस दिन सेप्टेंबर में हम इलेवन इंक्लूड करेंगे इलेवेंथ तो सेप्टेंबर के हो गए ग्यारह दिन तो ये हमारे टोटल आ जाते हैं चालीस दिन हमेशा ध्यान रखो इग्नोर फर्स्ट डे इंक्लूड द लास्ट डे अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट तो ये प्रोडक्ट हमारा आ गया ट्वेंटी थ्री थाउजेंड अब निकालते हैं एवरेज ड्यू डेट एवरेज ड्यू डेट हमारी हो गई सेकेंड ऑगस्ट मैंने लगाया प्लस यहां पे माइनस पता है कब लगेगा यहां पे माइनस तब लगेगा अगर आपका प्रोडक्ट का टोटल माइनस में आ जाए तो अभी तो ये प्लस है ना प्लस ट्वेंटी थ्री तो ये प्लस लगेगा अगर ये होता माइनस ट्वेंटी थ्री तो हम लगाते माइनस इसलिए हमने लिखा है प्लस माइनस जो भी रेलेवेंट uh, होगा वो साइन हम लगाएंगे तो सेकेंड ऑगस्ट प्लस ट्वेंटी अच्छा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आ रहा है सब ने पूरा चैट बॉक्स भर दिया है कि मैम ये पच्चीस हजार है मैम की गलती निकालने में कितना मजा आता है सेकेंड ऑगस्ट प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अपॉन में ट्वेंटी थ्री हंड्रेड तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑगस्ट प्लस बताओ कितना आ रहा है डिवीजन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अपॉन में ट्वेंटी थ्री हंड्रेड टेन पॉइंट एट तो अगर ये आ रहा है टेन पॉइंट एट तो हम क्या ले लेंगे इलेवन डेज तो सेकेंड अगस्त में हम ग्यारह दिन ऐड करेंगे तो मेरी एवरेज ड्यू डेट आ गई तेरह अगस्त क्या पहले भी यही एवरेज ड्यू डेट आई थी पहले भी यही आई थी इसीलिए हमारे पास ऑप्शन है टेक एनी डेट एज बेस डेट आप कोई भी डेट को बेस डेट ले लो आपकी एवरेज ड्यू डेट वो ही आनी है इसीलिए ऑप्शन दे दिया किसी भी डेट को आप ले लो क्योंकि हम वेटेड एवरेज लगा रहे हैं तो वेटेड एवरेज हमेशा आपको सेम डेट निकाल कर देगी एक ही वो डेट है जिस पर इंटरेस्ट का लॉस नहीं है और गेन भी नहीं है तो एवरेज ड्यू डेट आ गई हमारी थर्टीनथ ऑगस्त खुशी जुलाई वाले में ट्वेंटी नाइन ऐसे आया है ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ना सेकेंड ऑगस्ट से एलेवन सप्टेम्बर ये तो ट्वेंटी नाइन है ऑगस्ट का और जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड ऑगस्ट से थर्ड जुलाई तो जुलाई में टोटल हमारे इकतीस दिन हैं और ये जो थर्ड जुलाई वाला दिन है इसको हमने इंक्लूड किया है तो वहां से हमने निकाला है थर्टी डेज सेकेंड ऑगस्ट से थर्ड जुलाई तक जाना है हमें यानी कि हमें पीछे जाना है इकतीस जुलाई लेना है तीस जुलाई लेना है उनतीस जुलाई लेना है अट्ठाईस जुलाई लेना है हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो सेकेंड ऑगस्ट से हमें थर्ड जुलाई तक जाना है तो जुलाई के दिन हमारे आ जाएंगे उनतीस अगर मैं थर्ड जुलाई तक जा रही हूँ तो मैं थर्ड को तो इंक्लूड कर रही हूँ तो भाई मैंने जुलाई में कौन से दिन छोड़ दिए दो ही दिन छोड़े मैंने फर्स्ट जुलाई और सेकेंड जुलाई तो अगर मैंने दो ही दिन छोड़े हैं तो भाई मेरे जुलाई के दिन कितने आ जाते हैं जुलाई आ जाता है ट्वेंटी नाइन डेज पर तो चलिए सेम क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे समझ गए आप अब हम लेंगे बेस डेट 11 सितंबर। ध्यान से करना गलती नहीं अब अगर हम इस यहां पे ले लेते हैं बेस्ड डेट 11 सितंबर, अब आप चेक करो एवरेज ड्यू डेट और उससे पहले यहां तक किसी भी अमाउंट में कोई डाउट है तो आप पूछ लो बेस डेट अब हम ले रहे हैं 11 सितंबर अभी अभी हमने सीखा था कि जब हम एवरेज यू डेट निकालेंगे तो हम लोग वैसे तो करते हैं सेकेंड ऑगस्ट प्लस यहीं पर प्लस जगह माइनस कब हो जाएगा माइनस हो जाएगा अगर मेरा प्रोडक्ट माइनस में आ रहा हो और अगर ये माइनस में आया ना तो एक चीज और बदल जाती है एक चीज और बदल जाती है अगर यहाँ पर एवरेज यू डेट इज इक्वल्स टू बेस डेट माइनस आ रहा है ना तो हमारा राउंडिंग ऑफ होता है लोअर नंबर पर यानी कि अगर यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है और फिर आया है टेन पॉइंट एट तो हमारा राउंडिंग ऑफ हो जाएगा लोएस्ट नंबर की तरफ तो यानी कि टेन पॉइंट एट को हम इलेवन नहीं टेन पॉइंट एट को हम लेंगे टेन डेज इसीलिए हम नेगेटिव कैलकुलेशन अवॉइड करते हैं एवरेज यू डेट में और हमेशा अर्लीस्ट डेट को बेस डेट लेते हैं ताकि नेगेटिव कैलकुलेशन आए ही ना तो जो मैं आपसे बता रही हूँ वो हमें 11 सितंबर वाले केस में यूज़ करेंगे हम वहाँ आपको और बेटर समझ में आएगा बात सिर्फ इतनी है अगर आपने बेस डेट के बाद माइनस साइन लिया तो जो राउंडिंग ऑफ़ है वो स्मॉलर नंबर पर होगा हायर नंबर पे नहीं तो देखते हैं 11 सितंबर के केस में क्या ऐसा हो रहा है तो देखिए एलेवन सितंबर जब आप लेंगे मैंने डेज़ लिख दिए हैं चेक कर लीजिएगा क्या यही डेज़ आ रहे हैं और क्योंकि हम 11 सितंबर से जा रहे हैं तो सेकेंड अगस्त भी निकल चुका है जुलाई भी निकल चुका है तो दोनों के साथ माइनस रहेगा तो देखिए आराम से चेक कर लीजिए डेज इस बार क्योंकि दोनों ही माइनस में है तो हमारा प्रोडक्ट भी माइनस में है और इसलिए हमारे प्रोडक्ट का टोटल भी माइनस में है इसलिए इस बार हो जाएगा एवरेज यू डेट इज इक्वल्स टू बेस डेट माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ अमाउंट तो ये आप बता रहे हो आ रहा है ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन थ्री आ रहा है अब क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो राउंडिंग ऑफ लोअर की तरफ होगी हायर की तरफ नहीं तो ट्वेंटी नाइन पॉइंट अब ये यहां पर हो जाएगा ट्वेंटी नाइन डेज तो फिर से आप इस बात को एप्रिशिएट करोगे कि हम क्यों इस फिनोमिना को यूज करते हैं कि ऑलवेज टेक अर्लीस्ट डेट एज बेस डेट ताकि आपको ये नेगेटिव कैलकुलेशंस ना फॉलो करनी पड़े तो यानी कि अब सिनेरियो ये है 11 सितंबर में से माइनस करने हैं उनतीस दिन अब आप माइनस करके देखो और क्या आप मुझे अलग अलग बता सकते हो किस मंथ में से आपने कितने माइनस कर दिए 11 from September and 18 from August. 10 from September and 19 from August. पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है ये सिर्फ मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि हम फिर जब माइनस कर रहे हैं ट्वेंटी नाइन डेज तो कैसे माइनस कर रहे हैं तो जो मेजॉरिटी ने सही आंसर दिया था इलेवन डेज़ हम सितंबर के माइनस करेंगे और एटीन डेज हम अगस्त के माइनस करेंगे तो जब हम माइनस करेंगे तो हम इलेवन भी इंक्लूड करेंगे प्लस में ऐसा नहीं होता माइनस कर रहे हैं हम तो हम इलेवन भी इंक्लूड कर रहे हैं इलेवेंथ इंक्लूड कर रहे हैं हम तो ग्यारह सितंबर के दिन चले गए हमें टोटल उनतीस माइनस करने हैं तो ग्यारह सेप्टेम्बर के चले गए तो अगस्त के हम माइनस करेंगे 18 तो अगस्त के टोटल इकतीस दिन में से अगर आप अठारह माइनस कर देते हो तो ये हमारी डेट आ जाती है थर्टीन अगस्त बस मैम अब हम पक्का समझ गए हैं कि बेस डेट हमें हमेशा कौन सी ले लेनी चाहिए जो अर्लीस्ट हो तीनों कैलकुलेशन आपने कर ली आप चेक कर लो सबसे आसान कैलकुलेशन कहाँ पर थी तीनों में से तो तीनों में से सबसे आसान कैलकुलेशन फर्स्ट फर्स्ट केस में आ रही है जहां पर हमने अर्लिएस्ट डेट को बेस डेट लिया है इसलिए हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एवरेज यू डेट का ऑलवेज टेक फर्स्ट डेट अर्लिएस्ट डेट एज बेस डेट ठीक है क्लियर है साक्षी इलेवन ओ क्लॉक तो ये क्वेश्चन अगर क्लियर है तो चले फिर हम अगले सवाल की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट कराऊंगी वो असाइनमेंट में से नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे थैंक यू यश तो देखिए अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आगे चलें क्या कोई स्टूडेंट अभी कर रहा है तो ठीक है फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ लिखिएगा ए ओस सी रुपीस सिक्स फिफ्टी ऑन फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी वन From January to March, following transactions took place. January fifteen A buys goods twelve hundred February ten Again A buys goods eight fifty ए ने सामान खरीदा है लॉजिकल सी बात है सी से खरीदा है ये सारी ट्रांजेक्शन ए और सी के बीच में ही है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ए और सी के बीच की ट्रांजेक्शन है उसके बाद मार्च सेवन ए रिसीव्स लोन तो ए ने सी से लोन लिया है फिफ्टीन हंड्रेड कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट तो देखिए अब आप आराम से कैलकुलेट करके देखिए अगर ये हमारे पास डिफरेंट डेट्स और डिफरेंट अमाउंट हैं तो कौन सी वो एक दिन है जब ये पेमेंट को सेटल किया जाए ए रिसीव लोन का मतलब है ए ने सी से पैसा उधार लिया है आंसर्स मेरे पास बहुत सारे आ गए हैं बहुत सारे आंसर में गलती भी हुई है एक कॉमन मिस्टेक जो यहाँ हुई होगी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन हमारा जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा जनवरी वन से अगर आपने जनवरी 15 से स्टार्ट किया तो वो क्वेश्चन में पहली मिस्टेक हो गई जनवरी 1 भी हमें कंसिडर करना है उस दिन ये बैलेंस आ रहा है ये भी तो पे करेंगे तो जनवरी 1 650। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा तो जिन स्टूडेंट्स का गलत आ रहा है यहीं पर कुछ मिस्टेक आपने की है चेक कीजिए एवरेज ड्यू डेट यहां पर आ जाएगी सिक्स फेबररी तो यानी कि बेस डेट हमारी यहाँ पर हो जाएगी जनवरी वन अब जनवरी वन से डेट से आप डेज काउंट करोगे तो चेक करो आपके डेज आएंगे फोर्टीन डेज फोर्टी डेज एंड सिक्सटी फाइव डेज यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक जो कॉलम है वो थर्ड कॉलम है उसके अलावा तो क्वेश्चन में कहीं कुछ है ही नहीं सबसे ज्यादा ध्यान रखना है थर्ड कॉलम को फिल करते हुए एक बार ये करेक्टली फिल हो गया तो क्वेश्चन हमारा काफ़ी हद तक करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसके बाद अगला ध्यान सिर्फ ये देखना है एवरेज ड्यू डेट निकालते समय कि जब हम डेज ऐड कर रहे हैं तो हम करेक्टली ऐड करें देखिए डेज चेक कीजिए अगर किसी के भी नहीं आ रहे हो तो आप पूछ लीजिए अगर कोई भी इसमें से डेज आपके नहीं आ रहे हो यस yes, आर्यन आपके क्वेश्चन का आंसर इज यस गुड क्वेश्चन मैम फेब्ररी के अंदर ट्वेंटी नाइन डेज लेने हैं या ट्वेंटी एट डेज लेने हैं तो भाई चेक कर लो अगर तो है लीप ईयर अगर तो है लीप ईयर तो कितने दिन लेंगे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे बचपन में पढ़ते थे ना हम ये लीप ईयर है तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने कहा उनतीस दिन और अगर लीप ईयर नहीं है तो फिर हमने ले लिए अट्ठाईस दिन तो अगर लीप ईयर है तो ट्वेंटी नाइन डेज लेंगे लीप ईयर नहीं है तो ट्वेंटी एट डेज लेंगे अब अगला सवाल उठता है कि मैम ईयर कौन सा होता है बताओ ईयर कौन सा होता है मैम जिसमें फेबररी में ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं वाह वाह मतलब क्या क्या बोलूं मैं यार तुम्हें मतलब मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारी तारीफ करने के लिए पता है लीप ईयर मैम होते हैं जिसमें ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं जिसमें ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं वो लीप ईयर होता है <laughs> हाँ तो बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं लीप ईयर कौन से वाला ईयर होता है विच इज डिविजिबल बाय फोर तो अगर मैं आपसे पूछू ट्वेंटी 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 जिस साल को हम अपनी जिंदगी में काउंट ही नहीं करना चाहते ये वाला साल 2020, क्या ये लीप ईयर है क्या ये लीप ईयर है Yes, ये लीप ईयर है क्यों क्योंकि ये डिविजिबल बाय फोर है 2021, क्या ये लीप ईयर है नहीं क्योंकि ये डिविजिबल बाय फोर नहीं है और हमारे क्वेश्चन में ईयर कौन सा चल रहा है तो देखो 2021 चल रहा है तो यहां पर जब आप फेब के डेज कंसिडर करोगे तो कितने कंसिडर करोगे 28 डेज ऑफ फेबर ठीक है मैम हर चार साल में आता है लीप ईयर अरे मैम अब हमें ये भी देखना पड़ेगा अरे बच्चों हाँ बिल्कुल आपको ये भी भाई ध्यान रखना पड़ेगा फेब्ररी के अंदर कितने डेज़ हैं ऐसे थोड़े नंबर ऑफ़ डेज काउंट कर लोगे देखना पड़ेगा ट्वेंटी नाइन है या ट्वेंटी एट अकॉर्डिंगली हम डेज़ काउंट करेंगे सलोनी आपको ईयर गिवन होगा तो क्वेश्चन ये थोड़ी बताएगा लीप है या नहीं है वो तो आपको खुद ही चेक करना होगा क्वेश्चन तो आपको ईयर बताएगा लीप ईयर है या नहीं वो आप खुद चेक करोगे कि उसमें ट्वेंटी एट डेज हैं या ट्वेंटी नाइन डेज हैं तो अकॉर्डिंगली हम इसमें देखें तो भाई हमारी एवरेज यू डेट आ जाती है जनवरी वन प्लस वन फोर एट थ्री जीरो जीरो अपॉन फोर्टी टू हंड्रेड ये आपका अमाउंट आ रहा है थर्टी फाइव पॉइंट थ्री हायर पर राउंड ऑफ कर देंगे यानी कि थर्टी सिक्स डेज जनवरी वन प्लस थर्टी सिक्स डेज तो कैसे करोगे तीस दिन जनवरी के हो गए और छह दिन फेबर के हो गए तो ये आ गई हमारी एवरेज ड्यू डेट सिक्सथ फेब्ररी तो एवरेज ड्यू डेट इज सिक्स फेब्ररी मैम कितने मार्क्स का आता है ये चैप्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन तुम लोग सिर्फ दो ही समय पूछते हो ठीक है जब तुम्हारे दिल में ये सवाल आता है ना कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का पेपर में आता है उसके दो ही मतलब होते हैं या तो बहुत मुश्किल है और या फिर जो मतलब यहाँ पर है कि ये बहुत आसान है है ना क्योंकि ये तो आपने देख लिया इसमें है तो कुछ नहीं बहुत आसान है अच्छी खबर ये है कि पेपर में ये क्वेश्चन अभी तक हमेशा ही आ रहा है हमेशा ही एवरेज यू रेट पेपर में आता ही है कभी फाइव मार्क्स का आता है कभी टेन मार्क्स का आता है डिपेंड करेगा ना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर जितना ड्यू डेट्स आप बढ़ाते जाओ उतना ही क्वेश्चन लेंदी होता जाएगा तो कभी फाइव का आता है कभी टेन का आता है पेपर के अंदर आता है आसान है हाँ जी लोन सेवेंथ मार्च को लिया है बिल्कुल तो आप इसमें डाउट क्या पूछना चाह रहे हो हाँ जी उज्वल इसमें इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने सामान खरीदा था या आपने लोन लिया था क्योंकि हमारा फोकस इस बात पर है कि भाई हमें पेमेंट करनी है तो अगर मैंने सी से गुड्स ख़रीदे हैं मुझे तब भी पेमेंट करनी है उसको बारह सौ की मैंने सी से गुड खरीदे आठ सौ पचास के मुझे उसको पेमेंट करनी है अब मैंने सी से लोन ले लिया पंद्रह सौ रुपये तो भी मुझे उसको पेमेंट करनी है तो पेमेंट के रीज़न डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें जो पेमेंट्स करनी है क्या हम वो सारी के सारी मिलाकर एक दिन पे कर सकते हैं और ये तो बिल्कुल हो सकता है कि कोई पेमेंट गुड्स की वजह से हो कोई लोन की वजह से हो कोई किसी और वजह से हो तो किसी भी वजह से हो मेरा कंसर्न इस बात से है कि भाई मुझे आपको पेमेंट करनी है इस इस अमाउंट की करनी है इस इस दिन किसी भी वजह से करनी हो तो हम निकाल रहे हैं एक डेट जिस दिन हम सारी पेमेंट कर दें चाहे वो पेमेंट इसलिए मैंने करी है क्योंकि मैंने सामान खरीदा है चाहे वो पेमेंट मैंने इसलिए करी है क्योंकि मैंने उससे लोन लिया है किसी भी वजह से हो मुझे मेरी पेमेंट को सेटल करना है ओके okay. इसमें कोई डाउट नहीं है तो इसके बाद एक लाइन लिखते हैं क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट लाइन लिखेंगे इफ पेमेंट इज मेड इफ पेमेंट इज मेड बिफोर ड्यू डेट Rebate is given, and if payment is made after due date, interest shall be charged. नेक्स्ट लाइन सपोज इन एग्जाम्पल वन जो एग्जाम्पल हमने अभी लिखा सपोज इन एग्जाम्पल वन ए पेज होल अमाउंट टू सी ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ड्यू डेट हमने निकाली थी एवरेज ड्यू डेट वो आ रही थी सिक्स फेब। हिसाब ये था कि भाई सिक्स फेब को पेमेंट कर दो तो उस दिन किसी का इंटरेस्ट का ना तो नुकसान है ना तो फायदा है तो हमने सिक्स फेब डेट निकाली थी उस दिन पेमेंट आपको करनी चाहिए थी अब अगर आपने पेमेंट उस दिन ना करके किसी और दिन करी तो क्या सिचुएशन है अगर आपने पेमेंट लेट करी है हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अगर आपने पेमेंट जल्दी करी है तो हम आपको उतना ही बेनिफिट दे देंगे उस बेनिफिट को हमने बोल दिया रिबेट मतलब जितना जल्दी कर रहे हो तो हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे जितना लेट करोगे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अब यहां पर ए ने पेमेंट करी है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन को तो यानी कि इंटरेस्ट चार्ज करेंगे सिक्स फेब को करनी चाहिए थी आपने थर्टी फर्स्ट मार्च को करी इसलिए टुगेदर विद इंटरेस्ट एट रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर एनम Calculate the amount of interest by average due date method. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट by एवरेज ड्यू डेट मेथड इस लाइन का इतना सा मतलब है कि पेमेंट सिक्स फेब को आनी चाहिए थी आई है थर्टी फर्स्ट मार्च को तो आप बताओ इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा तीन आंसर आए हैं मेरे पास तीनों ही अलग अलग हैं। फोर्टी टू हंड्रेड का हमारा अमाउंट है सिक्स परसेंट का हमारा इंटरेस्ट रेट है इंटरेस्ट चार्ज करेंगे नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग डिवीजन हो जाएगा थ्री सिक्सटी फाइव से अगर लीप ईयर होता तो डिवाइड करते थ्री सिक्सटी सिक्स से बट अभी हम लोग 2021 की कैलकुलेशन कर रहे हैं जो लीप ईयर नहीं है तो डिवीजन होगा 365 से और यहां पर जो हमें डेज कैलकुलेट करने हैं यानी कि नंबर ऑफ डेज फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट सिक्स फेब्ररी सिक्स फ़रवरी से लेकर हमें डेट काउंट करनी है थर्टी फर्स्ट मार्च तक यहां तक के नंबर ऑफ डेज हमें काउंट करने हैं और ये जब हम इंटरेस्ट के लिए डेज काउंट कर रहे हैं दोनों दिन इंक्लूड रहेंगे सिक्स फेब भी इंक्लूड होगा थर्टी फर्स्ट मार्च भी इंक्लूड होगा यहाँ पे कोई दिन इग्नोर नहीं होगा सिक्स फेब को पेमेंट आनी चाहिए थी आपने नहीं करी है सिक्स का भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और आपने पेमेंट करी है इकतीस को इकतीस का भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे क्योंकि अब ऐसा नहीं है इकतीस को सुबह भी पेमेंट आ सकती है इकतीस को शाम को भी पेमेंट आ सकती है तो अगर आप शाम को पेमेंट करते हो तो इकतीस का भी पूरा दिन आपने यूज़ किया सुबह करते हो तो नहीं करा तो ऐसे तो नहीं कर सकते कि आपने पेमेंट सुबह करी या शाम को करी तो क्या सिस्टम है जिस दिन पेमेंट करी है उस दिन को भी इंक्लूड करेंगे तो अब आप देखो कितने डेज आ रहे हैं यस yes, करेक्ट तो यहां पर हमने लिए तेईस दिन फेबररी के फेबररी में टोटल हमारे अट्ठाईस दिन है तो हमने पांच दिन हटा दिए फेब के फिफ्थ फेब तक तो तेईस दिन फेबररी के और मार्च के हमने ले लिए इकतीस दिन तो यहां से आपको मिल जाएगा आपका इंटरेस्ट थर्टी सेवन पॉइंट टू एट तो अगर क्वेश्चन इंटरेस्ट पूछता है तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज ड्यू डेट का मतलब है आप उसी दिन पेमेंट कीजिए अगर आप उससे लेट करते हो इंटरेस्ट चार्ज होगा अगर आप उससे जल्दी करते हो आपको बेनिफिट मिलेगा उतना ही आपका इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाएगा क्योंकि एवरेज ड्यू डेट के अलावा तो गेन और लॉस होगा अगर आप चाहते हो कोई गेन ना हो कोई लॉस ना हो किसी भी पार्टी को तो मेक पेमेंट ऑन एवरेज ड्यू डेट अगर आप उसके अलावा किसी भी दिन पेमेंट करते हो तो इंटरेस्ट पिक्चर में आएगा इंटरेस्ट सिर्फ एक ही दिन छूट रहा है जो कि है एवरेज ड्यू डेट तो उससे पहले किया या उससे बाद में किया तो इंटरेस्ट पिक्चर के अंदर आ जाएगा लेट पेमेंट करी तो इंटरेस्ट चार्ज होगा जल्दी पेमेंट करी तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा ठीक है क्लियर है नहीं नहीं रेट ये सिक्स परसेंट फिक्स नहीं है क्वेश्चन आपको बताएगा सिक्स परसेंट का रेट ऐसा कोई फिक्स रेट नहीं है क्वेश्चन आपको हर केस में इंटरेस्ट रेट देगा उसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे अगर मैम क्वेश्चन ना बताए लीप ईयर है या नहीं अरे ऐसे नहीं होता क्वेश्चन बताएगा चलो फिर भी तुमने कहा नहीं बताए तो भाई हमारा तो सब्जेक्टिव पेपर है सब्जेक्टिव पेपर का बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है नोट दो ना सब्जेक्टिव पेपर का ये बेस्ट पार्ट है गिव नोट एंड प्रोसीड तो वैसे तो क्वेश्चन आपको बताएगा नहीं बताएगा तो नोट दो कि क्योंकि मेंशन नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इट इज प्रज्यूम्ड दैट द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर तो अकॉर्डिंगली आप ट्वेंटी एट डेज ले लो और कैलकुलेशन कर दो और आपको ईयर लेने का मन है तो ईयर ले लो डेज़ वाली कैलकुलेशन फिर से देख लो हमें डेज़ लेने हैं सिक्स फेब से थर्टी फर्स्ट मार्च तक तो फरवरी की हम बात करें तो हमें सिक्स फेब को इंक्लूड करना है फरवरी में टोटल ट्वेंटी एट डेज़ हैं अगर मुझे सिक्स फेब को इंक्लूड करना है तो मैंने फेब में दिन छोड़े कितने हैं सिर्फ पाँच दिन छोड़े फिफ्थ फेब तक तो अट्ठाईस में से हमने कहा भाई पाँच दिन निकाल दो तो फेबर के हम ले रहे हैं तेईस दिन मार्च की बात करें इकतीस मार्च मुझे इंक्लूड करना है तो अगर इकतीस भी इंक्लूड करना है तो मार्च तो पूरा पूरा आ गया कंप्लीट यानी कि थर्टी वन डेज तो इस तरीके से हमारे डेज आ गए ट्वेंटी थ्री प्लस थर्टी वन ठीक है एक क्वेश्चन और सॉल्व कर ले एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं आपके असाइनमेंट से करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मुस्कान सिक्स फेब को हम डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे पेमेंट आनी चाहिए थी सिक्स फैफ को सिक्स फैब को पेमेंट का दिन था अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो सिक्स फैब का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा क्योंकि वो दिन था जो आपको पेमेंट करनी है तो अगर आपने पेमेंट स्किप करी है तो उस दिन का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो देखिए प्लीज पढ़ के देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या लग रहा है क्या सॉल्व कर सकते हो तो बहुत सारे बच्चों ने यस yes कर दिया है तो ठीक है फिर सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से हमें ये समझ में आता है कि एवरेज ड्यूरेट का कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर ड्राइंग्स के लिए भी यूज़ हो सकता है जो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपको बता रहा है तो देखिए एक बार सबसे पहले नंबर ऑफ डेज़ चेक कर लीजिएगा नंबर ऑफ डेज में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए मैंने सबकी कैलकुलेशन लिख दी है सितंबर से स्टार्ट हो रहा है सितंबर फिर अक्टूबर फिर नवंबर फिर दिसंबर अकॉर्डिंगली एलिवेंथ दिसंबर गलत जवाब है फेबररी में ट्वेंटी नाइन डेज़ होंगे येस ट्वेंटी ट्वेंटी के अकॉर्डिंग बट क्योंकि यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन ने लिखा है अज्यूम फेबररी हैज़ ट्वेंटी एट डेज इसलिए हमने ट्वेंटी एट लिया तो क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है इसलिए हमने ट्वेंटी एट ले लिया है तो सितंबर नाइन में ऐड करेंगे वन जीरो फाइव डेज यस करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी थर्ड दिसंबर तो नाइन्थ सितंबर में एक सौ पांच दिन हमें ऐड करने हैं यानी कि इक्कीस दिन सितंबर के थर्टी वन डेज अक्टूबर के थर्टी डेज नवंबर के और फिर ऐड करने हैं ट्वेंटी थ्री डेज यानी कि ट्वेंटी थ्री डेज हो जाते हैं दिसंबर के तो डेट आ जाती है ट्वेंटी थर्ड दिसंबर तो देखिए आराम से क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए कोई अमाउंट कहीं नहीं आया हो तो आप पूछ लीजिए हाँ जी आर्यन अगर रिबेट होगा तो भी हम ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है लेकिन उसमें ना आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस दिन पेमेंट हमारी आ गई है उस दिन को हमें कैसे इंक्लूड करना है तो कोई बात नहीं आप वेट करो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा नहीं मुस्कान ऐसे शो नहीं करना है मुस्कान पूछ रही है क्या मैम हमें पेपर में ऐसे शो करना है ट्वेंटी वन प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी नहीं पेपर में आपको ऐसे शो नहीं करना है ये मैंने सिर्फ आपके लिए लिखा है पेपर में तो आप सीधा डेज लिखोगे थर्टी वन सिक्सटी थ्री नाइन्टी फोर वन ट्वेंटी सिक्स पर क्योंकि जहाँ पर ये कैलकुलेशन बड़ी बड़ी है वहाँ पर वर्किंग नोट में आप छोटा सा लिख लो तो अच्छा रहेगा ताकि बाद में आप रीचेक कर सको बाकी रिक्वायरमेंट कोई नहीं है सीधा नंबर ऑफ डेज ही आपको लिखना है अच्छा लो भाई एटी फोर थाउजेंड आ रहा है क्या ये हाँ एटी फोर थाउजेंड है देखो इसके अलावा कोई डाउट इसके अलावा कोई डाउट नहीं है हाँ जी ट्वेंटी थ्री दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन ये हमारी आ जाती है एवरेज ड्यू डेट तो चलिए इसी के साथ फिर आज की मुलाकात हमारी ख़त्म हुई अब इस चैप्टर में बेसिकली अब क्या रिमेनिंग है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज अगर ड्रॉ हुए हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में हमें ड्राइंग की डेट किवन होती है तो हमें पहले ड्यू डेट निकालना होगा फिर यहां से हम स्टार्ट करेंगे एवरेज ड्यू डेट मतलब एवरेज ड्यू डेट के लिए देखो हमें ड्यू डेट तो चाहिए ना ड्यू डेट्स होंगी तभी हम एवरेज निकालेंगे तो इस चैप्टर में अगला मेन काम हम क्या सीखेंगे कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ है और क्वेश्चन अगर हमें उसकी सिर्फ डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देता है कि बिल ऑफ़ एक्सचेंज इस दिन ड्रॉ हुआ तो पहले हमें एक एडिशनल काम करना पड़ेगा पहले हमें हर बिल की ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी फिर उसके बाद हम हमारा क्वेश्चन रेगुलर मैनर में करेंगे और एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे दूसरा इसमें एक चीज़ हम और सीखेंगे अगर जैसे सपोज हमारे प्रीवियस एग्जांपल में जो हमने ए और सी का किया था उसमें यह था कि भाई ए ने सी को पैसा देना था सपोज अगर ऐसा हो जाए कि ए ने सी को पैसा देना है सी ने ए को पैसा देना है यानी कि दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को पैसा देना है दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन कर रही हैं तो फिर उस केस में क्या हम कुछ चेंज करेंगे एवरेज यू रेट में तो ये मेन दो चीज़ें हैं ये हम अगली क्लास में सीखेंगे थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग